In order to make yourself motivated and productive, your morning must be productive. Hello and welcome back to my channel. And if you are here for the first time, please do check out my other videos. But after completing this video, ये एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं अपने मॉर्निंग रूटीन के बारे में, अपने प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात करूंगा और आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो माई मॉर्निंग स्टार्ट्स अराउंड 6 AM एंड आई स्टार्ट माई मॉर्निंग बाई मेकिंग माई बेड। अब इससे आपको आलस नहीं आती और वापस से बेड में जाने की, बिस्तर में जाने की इच्छा नहीं होती। एंड आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर मॉर्निंग। आफ्टर मेकिंग माई बेड आई हेड स्ट्रेट टूवर्ड्स किचन वेर आई पोर 1 glass ऑफ वार्म वाटर एंड टेक सिप बाय सिप। और इसके बाद दैनिक दिनचर्या के लिए वॉशरूम में जाते हैं और फ्रेश होने के बाद रूम की क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद नहाने जाते हैं। और जब मैं आप लोगों को अपने काम गिना रहा हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ, तब मुझे ईश्वरचंद विद्यासागर की एक छोटी सी स्टोरी याद आती है, एक छोटा सा सीख याद आता है। हम सब लोगों ने क्लास 6 या 7 में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें ईश्वरचंद विद्यासागर ने यह कहा था कि आपको अपना काम खुद से करना चाहिए। ईश्वरचंद विद्यासागर कौन है जो ये नहीं पता, आप एक बार गूगल जरूर करिए। और ईश्वरचंद विद्यासागर की एक सीख के पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक सज्जन ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में बहुत बातें सुनी थी, उनकी बहुत तारीफ सुनी थी, उनके बारे में बहुत सुन रखा था कि वो बहुत सिद्धांतवादी हैं वगैरह वगैरह। और इस वजह से उन्होंने प्लान बनाया कि चलो हम उनसे मिलने चलते हैं, एक बार ऐसे महान पुरुष से मुलाकात करते हैं। और यही विचार लिए वो सज्जन ईश्वरचंद्र विद्यासागर के गाँव वहाँ पहुँचे और उनके गाँव के बाहर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन पर वो सज्जन आकर के अपने सामान अटैची सहित उतरे। अब वो बहुत छोटा सा स्टेशन था, वहाँ बहुत कम ट्रेनें आती थी, एक आप ट्रेन मुश्किल से आती होगी। ऐसे छोटे से स्टेशन पर वो सज्जन उतरे और कुली कुली चिल्लाने लगे। आसपास कोई नहीं दिखा। एक व्यक्ति जो सादे लिबास में था वो उधर से गुजरता हुआ दिखा। उस सज्जन ने उस व्यक्ति को कुली समझ कर अपने पास बुलाया और कहा, ये सामान मेरा तांगे तक पहुँचाओ। और उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। और वही व्यक्ति जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर के घर पहुंचा तो वो बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने उसके सामान को तांगे तक पहुंचाया था। और यहाँ पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उनको एक बड़ी अच्छी सीख दी कि आपको कभी भी अपना काम करने में शर्माना नहीं चाहिए, आप बेझिझक अपना काम खुद करें। खैर, ये तो हुआ ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन से एक सीख, एक लेसन। अब आते हैं वापस अपने वीडियो पर। तो नहाने के बाद हमेशा मैं मन में ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अगरबत्ती जलाता हूँ। अब इससे क्या होता है कि पूरे वातावरण में सात्विकता फैल जाती है एंड आई गेट एन स्पिरिचुअल एनर्जी टू थिंक मोर, टू कॉन्सेंट्रेट मोर। और फिर इसी आध्यात्मिक माहौल में, इसी आध्यात्मिक वातावरण में मैं चाय के सिप के साथ पढ़ने बैठ जाता हूँ। निर्भवति भारत अभ्युत्थानं स्वधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब चूंकि इस समय मैं कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूं, इसलिए, वरना सुबह के समय अपना सिलेबस पढ़ना सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मॉर्निंग के टाइम में आप अपने कोर्स से, आप अपने सिलेबस से रिलेटेड बुक्स ही पढ़ें। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मॉर्निंग में आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हो, आप अपना 100% अपनी पढ़ाई को दे सकते हो। सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 2.5 hours टू कम्प्लीट ऑल दीज थिंग्स। और अराउंड 8:30 मैं ये सब फिनिश करने के बाद ब्रेकफास्ट लेता हूँ और उसके बाद ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। सो This is how I used to make my morning productive. How do you make your morning productive? Please let me know in the comment section. Also, write down in the comment section what you feel about my routine. ये वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के और वीडियोज़ देखिए। अपने व्यूज हमें कमेंट में हमारे साथ शेयर करिए।
Your comments are very valuable for me to improve my content. Thank you. Bye.